जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है जिसे हाल ही के वर्ष में कई राजनीतिक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा है। अब एक ऐसे नए राजनीतिक अध्याय की ओर बढ़ रहा है। 6 साल के बाद यहां एक नई सरकार का गठन हुआ है। इस बार उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये शपथ ग्रहण समारोह कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया, जहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये चुनाव 10 साल के बाद हुए थे और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई, जबकि कांग्रेस को केवल 6 सीटें मिली। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान हुआ था और नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित हुए थे। अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद ये चुनाव जम्मू कश्मीर की राजनीति परिदृश्य में काफी महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है। हालांकि उमर अब्दुल्ला की सरकार में कांग्रेस शामिल नहीं हुई है। कांग्रेस ने बाहरी समर्थन का फैसला लिया है, जो उनकी सीमित राजनीतिक भूमिका को दर्शाता है। इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच तालमेल में कमी भी दिखाई दे रही है। शपथ ग्रहण समारोह में कई प्रमुख नेताओं की उपस्थिति ने इसे सिर्फ एक शपथ ग्रहण से ज्यादा बना दिया। ये इंडिया गठबंधन की शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक भी था। उमर अब्दुल्ला ने अपने दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मजार पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जो उनकी पारिवारिक राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत संकेत था। कांग्रेस को इस सरकार में सीमित स्थान मिला, क्योंकि उन्हें सिर्फ बाहरी समर्थन का विकल्प ही स्वीकार करना पड़ा। दरअसल 4 निर्दलीय विधायकों के समर्थन के साथ उमर अब्दुल्ला की सरकार मजबूत हो गई है और कांग्रेस पर उनकी निर्भरता कम हो गई है। ये समर्थन उमर अब्दुल्ला की राजनीतिक स्थिति को और भी सशक्त बनाता नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर की वर्तमान राजनीतिक स्थिति कई सवाल उठाती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिश्ते कैसे विकसित होंगे? कांग्रेस को भविष्य में अपनी खोई हुई स्थिति वापस पाने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? नई सरकार के गठन के साथ ही जम्मू कश्मीर एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि उमर अब्दुल्ला अपने राजनीतिक वादों को कैसा पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग इस बदलाव को किस तरह से लाभान्वित होते हुए नजर आएंगे? तो वहीं पर क्या उमर अब्दुल्ला अपने वादों को पूरा कर पाएंगे? क्या कांग्रेस के लिए आगे क्या होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।